हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें हम जा रहे हैं पॉइंट एडवर्ड, जो कि सिचुएटेड है कनाडा और यूएस की बॉर्डर पे, और इनको कनेक्ट करता है ब्लू वाटर ब्रिज, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और रात को उसके अंदर जो लाइट्स है वो इल्यूमिनेट होती है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो पॉइंट एडवर्ड है, एक पहले विलेज होता था जो कि सारनिया सिटी है उसके साथ लगता है, और जो उसके सामने जो अपोजिट शहर है अमेरिका का, उसकी जो स्टेट है वो है मिशिगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बस स्टॉप पे पहुंच गए हैं। जो 12 नंबर बस है वो हमें यहाँ से मिलेगी। पॉइंट एडवर्ड जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन जो 12 नंबर बस है ये हमें सीधा पॉइंट एडवर्ड लेके जाती है। ये डायरेक्ट बस है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। बाकी आगे एक और स्ट्रीट है जो कि वेलिंगटन स्ट्रीट है, वहाँ से भी हम बस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से हमें दो बस चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो बस है एक घंटे में एक बस आती है और हमको जाने में नियरली 40 मिनट लगेंगे। थोड़ा दूर है लेकिन ये जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो रास्ते को भी हम कवर करेंगे। और सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो आप पॉइंट एडवर्ड पहुंच चुके हैं। जैसे कि ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, ये है ब्लू वाटर ब्रिज जो कि कनाडा और अमेरिका को कनेक्ट करता है। जो ये लेक देख रहे हो इसका नाम है सेंट क्लेयर लेक, और जो पीछे शहर देख रहे हो वो कनाडा में नहीं अमेरिका में है, उसका नाम है पोर्ट ह्यूरोन जो कि मिशिगन में है। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इसका जो डिस्टेंस है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर एरिया है। तो अगर हमें जब US जाना होता है तो इस ब्रिज के हेल्प से हम US जा सकते हैं। ऊपर पहले इमिग्रेशन होता है, उसके बाद हम US की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्लोज है अमेरिका, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो ट्रैवलर्स होते हैं इसी वे को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है वे है इफ़ेक्टिव है और फास्ट है। इसलिए बाकी जगह काफ़ी सुंदर है, दूसरी साइड अमेरिका है, अभी मैं कनाडा में हूँ तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सारी चीज़ें थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। तो यहाँ इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, उसकी मैं वीडियो इंक्लूड करूँगा, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो उसे पॉज करके पढ़ सकते हो। एडवर्ड पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि यहाँ है रॉक्स का कलेक्शन। लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से रॉक्स को लेके आते हैं और उन पे क्राफ्ट करते हैं। लोग अपने जो मन की इच्छा उसको लिखते हैं, अपने नाम लिखते हैं, और ये देखते हैं कि किस टाइप के रॉक्स हैं जो कि यहाँ है। देखिए जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स यहाँ हैं, तो सारों ने कुछ ना कुछ इस पर लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के रॉक्स हैं यहाँ, तो देखिए एक बार इनको।